एवरीबडी एज यू नो मेरा बर्थडे एंड न्यू ईयर आ रहा है तो मुझे मेरा रूम साफ करना है इधर आप देख सकते हो इस क्लिप में कि मेरा रूम बिल्कुल भी साफ नहीं है तो हम लोगों को इसको साफ करना है एनी वेज आज था संडे तो संडे को तो यूजअली घर साफ करने का ही काम होता है आज हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे बस थोड़ा सा शॉपिंग किए थे वो भी इसी रूम के लिए था उसका आप लोगों को सेपरेट मिनी प्लॉग मिलेगा चैनल में और ये जो हमारा रैक था ना ये बहुत ही ज़्यादा डस्टी हो गया था और बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था तो इसको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया हमारे स्टोर रूम में जिधर ये सारे सामान स्टोर करने के लिए काम आए एंड इसमें इस इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान भी नहीं था एंड जो जो था वो इसमें ही रहा एंड बाकी एरे गहरे चीज़ें को हम लोगों ने फेंक दिया एंड यूजली uh, मेरे रूम से जब भी मैं साफ़ करती हूँ तो एक ना दो चार चीज़ें ओमिट होती है मतलब मेरे रूम से हम निकाल देते हैं और कुछ कुछ ऐड भी कर लेते हैं तो इस बार भी हम लोगों का वही प्लान है इधर मम्मी मेरे फ़ैन को साफ़ कर रही थी मेरे के ताकि थोड़ा अच्छा हवा दे वो फैन लेकिन हम लोग सर्दियों में फैन नहीं चलाते तो अभी हम लोग विंडो के पास मेरा स्टडी टेबल शिफ्ट करने वाला है समर टाइम्स में एक्चुअली बहुत अच्छा हवा आता है पढ़ने के लिए एंड लाइटिंग भी आएगा तो इसलिए मैंने सोचा कि इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते मेरा स्टडी टेबल एंड एस्थेडिक भी दिखेगा इसलिए और ये जो फेक लीव्स हम लोगों ने लगाया था ना वाइन्स उसको हम लोगों ने निकाल दिया क्योंकि वो मैं कुछ और करने के लिए लगाऊंगी इधर मम्मी मुझे गले देते हुए जादू की झप्पी जिससे मैं और थोड़ा सा एनर्जाइज हो गया और इतना धीरे धीरे काम करने लगी फिर ये जो था ये टाइम लेप्स था ऑब्वियसली मैं इतना स्पीड काम नहीं करती और दीवार में जो टाइम टेबल एंड और लगा था उसको मैंने अलग जगह पर लगा दिया एंड फिर मैं